कश्मीर की वो हसीन वादियाँ जहाँ मस्जिदों से अल्लाह हु अकबर की सदाएं और मंदिरों से भगवान की भक्ति के गीतों की आवाजें सुनाई देती थी। वहीं इस्लाम का चोला ओढ़े आतंकी भेड़ियों ने जुल्म की तमाम हदों को तोड़ते हुए उन मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ऐसे ऐलानात किए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगैर लेकिन पंडित औरतों के साथ, और ऐसे फतवे जारी किए कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़कर चले जाए। ये हुक्म आतंकी था। कश्मीर हमारा है अजीजो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, काफिरों की औरतें तुम्हारे लिए माले गनीमत हैं, लूट लो इनकी अजमतें। और फिर शुरू हुआ जुल्म का वो घिनौना सिलसिला जिससे तारीख आज भी शर्मिंदा है। वो खूंखार भेड़िए जिनके सीनों में दिलों की जगह पत्थर रखे हुए थे, जुल्म करना उनकी आदत थी और खून बहाना उनका पेशा था। घरों में घुसकर कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ में बलात्कार करना और जलाकर पेड़ों पर लटका देना, मार दो उसे, पेट चाक करके पैदा होने से पहले ही बच्चों का कत्ल कर देना, माओ के सामने मासूम नौनिहालों का खून बहा देना, घरों को लूटना, मंदिरों में आग लगा देना। मेरी कौम, मेरे कश्मीर के सामने मैं तुम्हारे जैसी लाखों कुर्बान कर सकता हूँ। इन तमाम मजालिम की गवाह वहां की हसीन वादियां हैं जिनकी आगोश में आज भी कश्मीरी पंडितों के बच्चों की सिसकियां, माओ बहनों की चीखें और नौजवानों की दर्दनाक मौत की सदाएं महफूज है। मुझे हैरत तो ये है कि आतंकी भेड़िए हुस्न की वादियों में खून बहाते रहे, घर उजड़ते रहे। कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा और पूरा मुल्क तमाशाई बना रहा। 25 साल पहले हम कश्मीरी पंडितों का सब कुछ छिन गया था, लेकिन फिर भी हम आतंकी तो नहीं बने। कोई आवाज उठाने वाला ना था। गलत कर रहे हो तुम लोग। किताब में लिखा है तो बात सही होगा ना। किताब में लिखी हर बात को सही मानना भी पागलपन है। इसको देखा कि कोई बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला ना था। कोई घरों से बेघर होने वालों की फरियाद सुनने वाला ना था। आज भी एहसास के दरवाजों को खोलकर देखिए कश्मीरी पंडितों का वो दर्द। खंडर बने हुए मंदिरों में खामोश लटके हुए घंटे जमीर को झंझोर रहे। अगर सरकार लगे हाथ आरक्षण खत्म करके जनसंख्या कानून बना दे, देश की दिशा ही बदल जाए। हमें बचाने कोई ना आया, अपने वतन में दंडित हूं, मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं।